हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के रीसेंट एपिसोड में फाइनली जेठालाल ने बबीता जी का फ़ोन उन्हें वापस कर दिया। हालांकि यहां पर जेठालाल के धक्का लगने से एक बार फिर से बबीता जी का फ़ोन टूटते टूटते बच गया। लेकिन गाइस, आने वाली स्टोरी में अब मुसीबत आने वाली है पत्रकार पोपटलाल के ऊपर। गाइस, पत्रकार पोपटलाल चोरी छुपे सोसाइटी के ऑफिस में अपना फ़ोन चार्ज करते हैं। इस बार जब वो फ़ोन चार्ज कर रहे होते हैं तभी उन्हें गलती से बिजली का झटका लग जाता है और इसके बाद अय्यर भाई वहाँ पर आकर पोपटलाल को बचा लेते हैं। लेकिन इसके बाद पोपटलाल शिकायत करने के लिए आता है आत्माराम भिड़े से और यहाँ पर आत्माराम भिड़े उल्टा ही पोपटलाल से सवाल करता है कि वो अपना फ़ोन सोसाइटी के ऑफिस में चार्ज क्यों करता है। बहुत टाइम से सोसाइटी ऑफिस का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि पोपटलाल अपना फ़ोन चार्ज करता है इसीलिए। वेलगी, आने वाली स्टोरी में पत्रकार पोपटलाल और भिड़े के बीच की अंडरस्टैंडिंग तो पूरी हो जाएगी, लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम आने वाली है भिड़े के ऊपर, क्योंकि भिड़े गलती से माधवी भाभी की साड़ी को जला देगा और उस साड़ी से माधवी भाभी को बहुत ज़्यादा प्यार है।